आपके लिए धर्म के क्या मायने हैं और आप जाति व्यवस्था को कैसे देखते हैं, अगर बिहार के संदर्भ में बता सके तो? और जाओ धर्म और जाति मेरे लिए एकदम कंप्लीटली पर्सनल इशू है, वो सोशल इशू मेरे लिए है ही नहीं। वो रोड पर ला करके बात करने की चीज मेरे लिए नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं मंदिर में जाऊंगा पूजा करने तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरा व्यक्तिगत इशू होगा, उसमें कोई बड़ी चीज नहीं होगी। उसको कोई मैं पब्लिसिटी नहीं करूंगा। जाति भी, आई बिलोंग टू अ जाति, आई डोंट डिनाई आई बिलोंग टू अ जाति। तो वो उस जाति के अंदर की जो चीजें होती हैं, अगर उस जाति का किसी दूसरे जाति से कंफ्लिक्ट होगा, आई एम नॉट देयर। उस जाति का इंटरनल इश्यूज होगा कि हम लोग कैसे आगे बढ़ें, नॉट इन टर्म्स ऑफ बीइंग इन कमिंग इन कंफ्लिक्ट विद समबडी एल्स बट विद इन द थिंग। सो आई विल बी देयर बिकॉज आई बिलोंग टू अ ग्रुप एंड आई डोंट डिनाई इट। प्रश्न को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए, काफी सिविल सर्वेंट्स जब तक जॉब में रहे वो काफी न्यूट्रल, एटलीस्ट पब्लिक पर्सपेक्टिव में रहे, पर रिटायरमेंट के बाद वो काफी जाति विशेष या धर्म से चीजें संबंधित चीजों में काफी उनकी संलिप्तता होती है। तो एक आम पब्लिक के लिए रहता है कि क्या वो जॉब में रहते हुए वाकई में न्यूट्रल रहा होगा? शक करना तो अच्छी चीज है, जरूर करना चाहिए। फिर अगर शक कर रहे हैं तो उसको इन्वेस्टिगेट भी कर ही लेना चाहिए कि वो थे या नहीं थे न्यूट्रल। देयर इज नो हार्म, इन्वेस्टिगेट तो किया ही जा सकता है, एंड ईच वन इज इंडिपेंडेंट टू इन्वेस्टिगेट एंड कम टू द